तो गाइस सेकंड चैनल पर सेकंड वीडियो जो कि वो अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को सारे के सारे जाकर देखो, और यार प्लीज यार जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो रेसलमेनिया 34 से लेकर बहुत बहुत बड़ी जो कि अपडेट निकल कर आ रही है, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं वर्मन। चलिए वीडियो में चलते हैं। तो क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, ये WWE ने जो की है, और हालांकि मैं आपको पहले बता दूं ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, यानी कि हफ्ता 10 दिन पुरानी न्यूज़ है, बट वीडियो को थोड़ी आगे तक सुनो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो कि हम जैसे क्रिएटर्स होते हैं वो भी जो कि है न्यूज़ लेते हैं, तो वो किससे लेते हैं? PW Insider, स्पोर्ट्स कैडा, या ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर जो होता है उससे ले लेते हैं। बट अगर हम बात करें WWE अगर इन सबको पैसा खिलाकर शांत करते और कोई न्यूज़ अगर WWE ना चाहे और इन्हें डायरेक्टली कहे भी ये वाली न्यूज़ हमारी नहीं जानी चाहिए, तो वो जो न्यूज़ है वो नहीं डालते। और ऐसे ही कुछ इस बार हुआ था इनके साथ WWE ने जो कि किया था। आज से करीब हफ्ता या फिर 10 दिन, यानी कि मैं बात करूं तो 8 या 10 दिन की जो कि पुरानी बात है, तब के टाइम पर WWE की जो कि फाइनल स्क्रिप्ट थी रेसलमेनिया 34 की वो लीक हो चुकी थी। ये मैं रोटो रेसलमेनिया के जो कि बीच में रॉस सीन के बारे में बात नहीं कर रहा, रॉस मैकडाउन ये डायरेक्टली जो कि मैं बात कर रहा हूँ रेसलमेनिया 34 में जो होने वाला था, बोलने वाली जो कुछ भी था वो स्क्रिप्ट जो की थी वो कोई जो कि अंदर का WWE का सिक्योरिटी गार्ड था शायद, या फिर वो कैमरामैन था कुछ था, उन्होंने जो की थी एक स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी उठाकर ले गए थे। उन्हें बाद में पता लगा था कि इसकी जो की फोटोकॉपी की गई है, कंप्यूटर में डिटेल निकल कर आ गई थी। इस वजह से WWE को काफी ज्यादा खतरा लग रहा था। इससे WWE ने जो कि एक टाइम पर सारे कैमरामैन चेंज कर दिए थे, काफी कुछ बदला WWE ने, काफी कुछ किया था तब के टाइम पर WWE ने। और उसके बाद जो कि है WWE ने इमीडिएटली एक बैकअप जो कि है स्क्रिप्ट बनाई। जब WWE को लग रहा था कि ऐसा होना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा अगर वो लीक हो गई स्क्रिप्ट, तो WWE ने क्या किया था, एक बैकअप बना लिया था। अगर कोई भी शोर होता है, यानी कि कोई लोग मचाते हैं भी ये जो कि पहले लीक हो चुकी है, तो WWE वो बैकअप वाला कर देगी। और कुछ दो तीन दिन पहले जो कि वो बैकअप वाली भी कंप्लीट हो गई थी। अब के टाइम पर क्या हुआ था, जैसे कि WWE ने वो सारी जो कि जितनी भी स्क्रिप्ट पहले लिखी थी उसमें अच्छी बात ये थी कोई भी रिटर्न या फिर जो कुछ था वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ था, बस वो ब्रीफली जो कि ऊपर से रेसलिंग मूव्स के बारे में और रिजल्ट्स जो कि मेनली जो कि बाद में उन्होंने अनाउंस करने थे, इनकी विनर ऑफ दिस मैच एंड न्यू, ये सब चीजें जो की थी ये सब जो था वो वहां पे मिल गया था। और पता नहीं अब वो बंदा कहां पे है, और वो शायद वो रेसलमेनिया से पहले ही चीजें लीक भी कर सकता है, बट WWE को जैसे कि पता था ये सब कुछ हो सकता है, तो इस वजह से WWE ने जो किया है वो सब चीजें दबा दी। अब वो लीक होने का भी चांसेस मैं बताऊं तो जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि मतलब ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, उनको WWE ने जो की है दबा दिया था, और WWE ने उनको दबा दिया, तो ऑफकोर्स वो बंदा किन के पास जाए उन्हें अनाउंस करने के लिए, हालांकि वो मेरे पास नहीं आया, किसी और के पास नहीं आया, बट ऑफकोर्स WWE भी हम तक नहीं पहुंच सकती, तो मुझे किस चीज का चक्कर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये न्यूज मेरे हिसाब से आपको पता लगनी चाहिए। और कुछ एडिशनल चीजें जो कि मैं आपको बता दूं, जो कि WWE है उन्होंने काफी कुछ किया इसे दबाने के लिए, बट अगर वो वाली लीक जो की है स्क्रिप्ट वो किसी को मिल जाती है तो उसमें सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, तो काफी लोगों के लिए तो चीज नहीं होगी जो चाहते रेसलमेनिया के एंटीसिपेशन मनी रहे। मैं भी चाहता हूँ, ये सिर्फ सबके लिए लॉस ही है, हमारा भी रेसलमेनिया पे जो इंटरेस्ट खत्म होगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें WWE के लिए, WWE के लिए भी यार बहुत बुरा, इतना वो पैसा लगाती है, चाहे वो कमाती भी बहुत है, बट उनके ऊपर इतना बड़ा लॉस हो जाए तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत बात है। प्लस वो काफी ज्यादा प्राइवेसी को वायलेट करता है, जैसे कि मैं बात करूं तो उसमें WWE जितने भी अभी तक की जितने लोगों ने टिकट खरीदी थी उनके बारे में प्रॉपर डिटेल्स वगैरह है, तो ये भी सब कुछ बहुत बुरी बात होगी। उनमें कुछ बड़े सेलिब्रिटीज भी होंगे जैसे लिली सिंह वगैरह, जिन्होंने उनकी टिकट खरीदी होंगी, उनके प्राइवेट जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो लीक हो जाएंगी, तो इस वजह से ये ना ही हो तो अच्छा हो। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये चीज जो कि लीक होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, अगर लीक होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं हरबन।